बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती हरी भरी पुदीने की चटनी, जो हर चीज़ के साथ हर दिल अजीज़ है, हर चीज़ के साथ खाई जाती है और रमज़ान के ख़ास महीने में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो व्यूअर्स, पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है, यहाँ पर हमने ले लिया है नमक हसबे ज़रूरत, इसके अलावा इस्तेमाल कर रहे हैं 2 से 3 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का हसबे ज़रूरत, दही, आधा टमाटर, ये दरमियाने साइज़ का एक टमाटर है जिसको मैंने आधा लेके चंक्स में काट लिया है। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर रहे हैं हरा धनिया और हरा पुदीना, और इन दोनों चीज़ों को हमने बराबर बराबर मकदार में ले लिया है। और इसके अलावा हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। इन अज़ा की मदद से हम बनाएंगे पुदीने की हरी भरी चटनी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसको बना के 2 से 3 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब हम इन तमाम चीज़ों की मदद से चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हसबे ज़रूरत नमक, लहसुन और अदरक को अपने ब्लेंडर में शामिल कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स, दही को छोड़ के तमाम अज़ा को हमने ब्लेंडर में शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही का, और फिर इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। जी, तो ब्लेंड करने के बाद व्यूअर्स, अब हम इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपनी चटनी को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 से 3 चम्मच प्लेन दही, और अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूँ भी बहुत मज़ेदार लगेगी, लेकिन अगर आप इसमें दही शामिल करना चाहें तो भी वो बहुत मज़ेदार होगी। चूँकि ये थोड़ी थिक है इसलिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दही के शामिल करूँगी। जी, तो भी उस दही शामिल करने के बाद अब हम इस दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्ती चटनी तैयार हो जाएगी। जी, तो भी उस ज़बरदस्ती पुदीने की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है। आप इनको फ्राई चीज़ों के साथ, समोसे, पकौड़े, या आप चाहें तो इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है, ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।